जरूर जरूर आएंगे। सब परिवार आ गए। परिवार के साथ आएंगे। बोल रहे परिवार के साथ खाना। ऐसे क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है, बंदा सोचता है यार कि हर तरफ हेटी है, लेकिन ऐसा नहीं है यार, सब बेकार की बातें हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम पोखरा। देखिए आज तारीख 2 अप्रैल है और आज वो दिन है कि आज हमें नेपाल से यहाँ से वापस इंडिया जाना पड़ रहा है क्योंकि अच्छा खासा टाइम हमने दे दिया। और सच बताऊँ तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। मतलब एक है ना, एक लगाव सा हो जाता है, कहीं भी हम जाते हैं वहाँ के लोगों से मिलना और वहाँ की चीज़ों को देखना, उसके बाद फिर जब अच्छे लोग मिल जाते हैं तो थोड़ा सा ना एक हो जाता है यार, मेरे साथ हो जाता है। अभी क्या है कि ट्रैक करके एबीसी से हम पहुंच गए थे परसों यहाँ पे, दो दिन हमने यहाँ पे रेस्ट किया। और पैर का क्या हालत है भाई, पैर का क्या हालत है, मतलब पूरा काफ जो है ना एकदम पेन कर रहा है और क्या है कि चल नहीं पा रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। तो खैर अब थोड़ा कम है, दो दिन हो गया। अब क्या है कि यहाँ से जो है हमारी बस है, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक यहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ से बीरगंज जाती है बस। तो हमने क्या सोचा है कि अभी चले जाते हैं बस स्टैंड, बस स्टैंड से देखते हैं बस मिलती है तो बस ले लेंगे बीरगंज रक्सौल के लिए, फिर रक्सौल से ट्रेन है शाम के 7-7:30 बजे, वहाँ से लेकर के हम चले जाएंगे पटना। अभी फ़िलहाल क्या है कि पैकिंग सारी हो चुकी है, थोड़ा बहुत सामान बचा है। ऐसा कुछ हमने रूम लिया था जहाँ पे फर्स्ट डे हमने स्टे किया था, वहीं हमने आज भी स्टे किया है। तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, बस वैसे ही रूम है। और ये सारा सामान कुछ पड़ा है, ये एक बैग हो गया इधर, एक बैग हो गया और ये एक बैग ये पड़ा है। नाश्ता क्या है, नाश्ता हमने ओट्स बना लिया था तो ओट्स खा लिया, और सुबह सुबह कॉफ़ी बना लिया था तो नाश्ता हो चुका है हमारा। बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। जा रहे जी, हाँ एकदम आएंगे, एकदम आएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ, जरूर फिर जन्म जरूर जरूर आएंगे। सब परिवार आ गए, परिवार के साथ आएंगे। बोल रहे परिवार के साथ आना, जरूर जरूर आएंगे। ठीक है ठीक है, जी जी हाँ जरूर 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 आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। हाँ आप भी आइए इंडिया, है ना, इंडिया लेकर के आइए इनको। चलिए पैसे पैसे नहीं, अब लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। हाँ हाँ जी जी हाँ जी हाँ, चलिए दुआ कीजिएगा। हाँ चलिए, रक्सौल बोलता है। जितने दिन पोखरा मेरा इनके पास ही रहा, इतना बिहेवियर इतना अच्छा था ना इनका, तो मन नहीं किया यार कहीं जाने का। थैंक यू सो मच, वेलकम, ओके, ठीक है, नमस्ते नमस्ते। चलिए आइएगा इंडिया आप लोग भी, है ना, अगर व्हाट्सएप, हाँ मेरा व्हाट्सएप, हाँ ठीक है, इंडिया आइएगा आप भी। चलिए जी हाँ भाई, ऐसा है कि 8 कितना बज गया यार, टाइम 7:50 हो गया, बिलिंग का मामला था वहाँ पे तो बिलिंग कर रहा था इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया। खैर चलता है, देखा आपने कितनी मोहब्बत मिली यहाँ पे, जहाँ पे जिस होटल में हम रुके थे, होटल सनफ्लावर, इनका भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इन्होंने गाइड किया, कहीं भी जाना हो आना हो कितना पैसा लगेगा, जेन्युइन रेट, सच में बहुत अच्छे, बस वो बहुत अच्छा लगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। कि आप में से बहुत सारे लोग नेपाल से हैं जिन्होंने कमेंट भी किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि कोई भी ऐसी दिक्कत हो नेपाल में आप हमें बताइएगा, ये बड़े मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी बात है, तो थैंक यू सो मच। आप भी इंडिया आइए, हम ज़रूर आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हमेशा हमसे ऐसे ही पूछते थे इंडिया से, इंडिया से, हाँ मैं गया हूँ पटना, जाने वाला हूँ लद्दाख, ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे ना मिले हमें अब तक। तो ट्रैवल करने से यही होता है यार, हमारे इंडिया में ट्रैवल का अभी ट्रेंड चल रहा है अच्छा माशाल्लाह, लेकिन हमारे बिहार में ना ट्रेंड नहीं है वैसा, तो हमारे बिहार के लोगों को भी ना ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल करने से आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपका जो
सोच है इतना से इतना हो जाता है ना। तो ट्रैवल कीजिए आप लोग भी जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बस ये है कि ऐसा तो नहीं है कि आप कमाते नहीं होंगे, कमाते ही होंगे, तो जो कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा सेव कीजिए घूमने के लिए और उसी पैसे से ना घूमिए, लेकिन ज़रूर घूमिए। ऐसे क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बंदा सोचता है यार कि हर तरफ हेट ही है, लेकिन ऐसा नहीं है यार, सब बेकार की बातें। हमने यहाँ पे बहुत सारे इजरायली लोगों को देखा, उनसे मेरी बात हुई और उन्हें बताया कि हमारा बाज़ाबता एक कम्युनिटी चलता है, मतलब कि वहाँ इसराइल में एक कम्युनिटी चलता है, वहाँ लोगों को इकट्ठा करते हैं और ट्रैवल करने भेजते हैं। सोचिए तो ट्रैवल कितना इम्पोर्टेंट है, वो इतना डेवलप कंट्री और वहाँ अपने यंग जनरेशन को भेजते हैं इधर उधर घूमने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, आप ट्रैवल कीजिए, जो पैसा आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सेव कीजिए और ट्रैवल कीजिए, बेहतर रहेगा। पृथ्वी चौक जी, ऐसा है कि हम पृथ्वी चौक के पास उतर गए हैं बस से, अब देखते हैं कि बस कहाँ से मिलती है बीरगंज के लिए। वैसे मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगता था कि ऐसा कि शायद पोखरा से हमें काठमांडू जाना पड़ेगा, फिर काठमांडू से हमें बिहार के लिए बस मिलेगी, लेकिन बस जब मैंने पता किया तो मालूम चला कि नहीं, पोखरा से भी डायरेक्ट बस है बीरगंज के लिए, फिर वहाँ से हम रक्सौल से बस भी कर सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है, हमें मालूम नहीं था। डायरेक्टली भी आप आ जा सकते हैं पोखरा, इसका मतलब बिहार से। देखिए काठमांडू में वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बस ये कि वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और अगर आप क्लब पार्टी के शौकीन हैं तो वो आपके लिए बेहतर जगह है, लेकिन अगर आपको माउंटेन देखना है तो फिर पोखरा आपके लिए बेस्ट है, यही सारा कुछ आपको मिलेगा। तो अगर डायरेक्ट पोखरा के लिए बस मिलती है तो आप डायरेक्ट पोखरा आइए, बेहतर रहेगा आपके लिए। क्या है कि हमने टिकट ले लिया है, इंडियन रुपीज़ 600 रुपये पे करना पड़ा हमें, इंडियन रुपीज़। तो ये वाली हमारी सीट है विंडो साइड, और क्या है कि 8:45 में यहाँ से खुलेगी और लगभग 4:05 के बीच में हमें ये रक्सौल पहुँचा देगी। टाइम अभी 7:30 बज रहा है और हम फाइनली क्या है कि वीरगंज पहुंच चुके हैं, और वीरगंज बस स्टैंड पे जैसे हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे रिक्शा वाले मिल रहे हैं और टांगा वाले भी मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट हमें ना इंडिया के बस स्टैंड रक्सौल बस स्टैंड पे पहुँचा रहे हैं। यार टमटम में बैठे हैं, बड़ा जमाना हो गया, तो बैठ जाते हैं चाचा के साथ, लेकिन बस स्टैंड पे छोड़ना पड़ेगा, बस स्टैंड नहीं छोड़ेंगे, कृपया मत दीजिएगा हम। ठीक है चलिए ओके, टांगा पे करेंगे बॉर्डर क्रॉस, क्या बात है। सुबह 8:45 से पोखरा से निकले थे और अभी टाइम लगभग है ना 8 बज गया है, मतलब समझिए कि 11:30 घंटे लग गया हमें यहाँ पहुँचने में, और अभी हम पहुँचे हैं वीरगंज और हमने यहाँ से लिया है टांगा, और इस टांगे से हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हम रक्सौल बस स्टैंड और वहाँ से लेंगे बस और वहाँ से फिर पहुँचेंगे पटना। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को ही बॉर्डर माना जाता है, और सामने हम देख पा रहे हैं कि वो इंडियन कस्टम का ऑफिस दिख रहा है हमें, हो सकता है वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमें रोका जाएगा, तो कैमरा को ऐसे करते हैं कि रख देते हैं।